दोस्तों, साथियों, बहनों, भाइयों, आपका जोरदार स्वागत है एक बार फिर से इस ठिठुरते हुए मौसम में, इस गर्मा गर्म प्रोग्राम में जिसका नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और बहनों भाइयों, आप तो जानते हैं कि ठंड बढ़ने के साथ साथ ठंड का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। हम सब लोगों की जिंदगी जो पहले पटरी पर चल रही थी वो अच्छी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है। ऊपर से हरियाणा के तमाम शहरों में ये जो काम चल रहा है सड़कों के मरम्मत का और गलियों के पुनर्निर्माण का, ये जो काम है इसकी वजह से भी काफी ट्रैफिक में दिक्कत हो रही है। अब बहनों भाइयों, मैं इसके बारे में एक चीज आपसे कहना चाहूंगा आज के प्रोग्राम में कि हमें एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करके चलना बहुत जरूरी है। कोऑपरेट करना मतलब ये कि अगर परेशानी हो रही है तो इसका ठीकरा हम दूसरे के सिर पर ना फोड़ें, बल्कि इस बात को समझकर चलें कि अगर हम थोड़ा बहुत सहयोग करते हैं तो सामने वाले को भी सहयोग करने का मौका मिलेगा। अब क्या होता है कि टीम वर्क का मतलब सिर्फ ऑफिस में टीम वर्क नहीं होता। ऑफिस में तो आजकल टीम वर्क रहा नहीं, लेकिन पूरे शहर में अब टीम वर्क की जरूरत है। जहां एक और बड़े बड़े पाइप्स डल रहे हैं सड़कों के अंदर और बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए हैं वहां पे पाइप्स डल रहे हैं, और दूसरी तरफ गलियों के निर्माण में गलियों को उखाड़ा जा रहा है वहां पे साइड में पाइप्स डल रहे हैं, तो इसकी वजह से ट्रैफिक में थोड़ा सा अपने आप को बचाकर चलना बहुत जरूरी है और अपने साथ साथ दूसरों को भी बचाकर चलना बहुत जरूरी है। ऐसी तमाम सड़कें जिन पर बहुत ज्यादा काम चल रहा है, और सड़कों के जो निर्माण की वजह से एक तरफ की लेन तोड़ी जा रही है और उसके ऊपर दोबारा से तारकोल डालकर दूसरी सड़क बनाई जा रही है। हम क्या करते हैं कि जल्दबाजी में हम उस तारकोल डली हुई नई सड़क जो अभी अभी उसके ऊपर तारकोल डली है उसके ऊपर अपनी बाइक दौड़ाना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद में आप सोचिए कि जब वो बनी ही नहीं है ठीक से, अभी पक्की हुई नहीं है, अभी उसे धूप नहीं लगी है और हम अभी से उसके ऊपर गाड़ी चलाएंगे तो क्या होगा, सड़क जो है वो फिर से खराब हो जाएगी। फिर हम कहते हैं कि भाई हमारी सरकार ऐसी तो प्रशासन ऐसा। तो इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम जो चीज नई नई बनी है उसको थोड़ा वक्त दें। दूसरी बात यह है कि आजकल जो सड़कों में पाइप डल रहे हैं उनके वजह से मिट्टी बहुत ज्यादा बाहर पड़ी हुई है सड़कों के किनारे, वहां पर सरिये भी पड़े हैं, वहां पर डेब्रिल भी पड़ा है, रेत बजरी भी पड़ी हुई है। इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए अपनी गाड़ियों को बहुत ज्यादा साइड में ना ले जाए, अपनी बाइक और स्कूटर को साइड में ना ले जाए, और इस चीज का ध्यान रखें कि अगर सड़क के बीच में कोई पत्थर पड़ा है तो उस पत्थर को आप अपनी बाइक रोक कर साइड में कर दें और उसके बाद आगे बढ़े। होता यह है कि हम लोग यहाँ वहां से निकल जाते हैं और सोचते हैं कि अरे कोई और कर देगा। बस इसी वजह से तो हम एक दूसरे पर चीजें डालते हैं और बड़े हादसे का इंतजार करते हैं। देखिए क्या है कि जिंदगी बहुत ही अनमोल है, और इस वजह से हमारा ये फर्ज बनता है हम अपने आप को सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। हम क्या करते हैं, ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, और ओवरटेक करने के चक्कर में भी बहुत सारे हादसे हो जाते हैं। तो बहनों भाई, उस बात से आप बचिए, ओवरटेक बिल्कुल मत कीजिए। खास तौर पे जो बड़े वाहन होते हैं उनके आगे से तो बिल्कुल ओवरटेक मत कीजिए, क्योंकि छोटे वाहन जो होते हैं वो तो चलो फिर भी आपको देख रहे हैं कि आप दाएं बाएं से आ रहे हैं, लेकिन जो बड़े वाहन होते हैं जैसे ट्रक है, बस है, अब वो उनके जो ड्राइवर है ऊपर बैठे होते हैं, उनको इतना नहीं समझ में आता कि भाई कौन गुजर रहा है वहां से, तो ओवरटेक करते हुए हादसा भी हो सकता है क्योंकि सामने से भी गाड़ियां आ रही होती हैं जहां पर डिवाइडर नहीं होते हैं। एक बात और, धुंध की वजह से, कोहरे की वजह से बहुत ज्यादा हादसे होते हैं, इसलिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा कोहरे में अपनी स्पीड को बिल्कुल काबू में रखिए। इतनी काबू में रखिए कि अगर सामने कोई व्हीकल है आपके आगे जा रहा है या सामने से आ रहा है तो उसकी विजिबिलिटी हो। अपनी गाड़ी की लाइटें भी जला कर रखिए और सामने वाले की भी लाइटों को ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। कई बार क्या होता है कि बड़े वाहन सड़कों पर खराब हो जाते हैं सड़कों के बीचों बीच, और वो क्या होता है कि गाड़ियों को वहीं छोड़कर चले जाते हैं जो उनके जो ड्राइवर्स होते हैं, खास तौर पर ट्रैक्टर ट्रॉली, बड़े बड़े ट्रक्स। अब इन ट्रॉलियों पर सरिये निकले होते हैं, ओवरलोडेड ये ट्रॉलियां होती हैं, और अगर ये सड़क के बीच में छोड़कर चले जाएं तो आप सोचिए कि हमें तो नहीं पता कि बीच में खड़ी है ट्रैक्टर ट्रॉली,
हम क्या करते हैं, स्पीड में जाते हैं और अचानक उससे टकरा जाते हैं और समझो कि फिर खेल खत्म। तो मैंने भाइयों इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा, अपने इंडिकेटर्स को ठीक से चलाइए और अपनी गाड़ी को ठीक से मेंटेन कीजिए। और ये जो शहर में जो तमाम सड़कों पर काम हो रहा है, इसकी वजह से आप जरा संभल कर चलिए, क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती होती है। ओहो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ही प्रोग्राम का भी तो नाम है। तो भाई आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, अगले एपिसोड में कुछ और हम मोटिवेशनल बातें करेंगे। और बस तब तक देखते रहिए यस टीवी। अभी के लिए नमस्ते।